असलम फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बेकिंग की बेकिंग में हम बनाएंगे आज मार्बल केक अगर मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चले मार्बल केक की आप इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए यहाँ मैंने सेवन ऑन्स के बराबर लिया है मैदा सेवन ऑन्स के बराबर ही मैंने लिए कास्टर शुगर टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर लिया है दो मैंने अंडे लिए हैं रूम टेम्परेचर पे वन टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और बटर की जगह यहाँ मैं सेवन ऑन्स ऑयल यूज करूंगी फोर टेबल स्पून इसमें मिल्क जाएगा एट इंच का मैंने लिया है नॉन स्टिक पैन और मैंने इसको ग्रीस कर लिया है अब मैं शुगर को और ऑयल को एक साथ अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी कास्टर्ड शुगर को अच्छे तरीके से ऑयल के साथ मैं बीट कर लेती हूँ चले अब इसके हम बाकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं सेवन औंस के बराबर मैंने यहाँ पे लिए शुगर कास्टर शुगर अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल सेवन औंस के बराबर ही मैंने ऑयल लिया है ये जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल होता है वही मैंने यूज़ किया है इसमें बेकिंग में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एक फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन जाए ये देखें कितना उम्र हमारा फ्लफी सा मिक्सचर बन गया अब इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी एक कप के बराबर सेवन औंस के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा वन टी स्पून बेकिंग पाउडर जो अंडे हैं रूम टेम्परेचर वो मैं बाद में ऐड करूँगी पहले ड्राई चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगा आपस में अच्छे तरीके से अब मैं इसके अंदर अंडे ऐड करूँगी ये जो दो अंडे हैं इसको मैं अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी बीटर से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हल्के हल्के प्याले को घुमाते रहिएगा ताकि मिक्सचर जो है आपस में अच्छे तरीके से बीट हो जाए ये देखें हमारा मिक्सचर कितना उम्दा बीट हो रहा है ये देखें कितना उम्दा बीट हो रहा है हमारा मिक्सचर ये हमारा मिक्सचर बीट हो चुका है अब इसके अंदर फ़ोर टेबल स्पून में इसमें मिल्क ऐड करूँगी मिक्स डालने के बाद इसको फिर हम दोबारा आपस में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ये हमारा मिक्सचर जो रेडी हो चुका है अब इसको हम मोल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे एक कप के बराबर जो केक का बैटर है उसको मैं अलहदा कर लूँगी इसके अंदर टू टेबल स्पून मैं कोको पाउडर ऐड करूँगी अगर अनस्वीट है तो वन टेबल स्पून इसमें ऐड कर लीजिएगा ये अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मैं ये एट इंच का केक का पैन है इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है बाकी जो बैटर है उसको लेयर दूँगी मैं इसके अंदर बेसिकली थ्री लेयर्स जाएंगी अभी जो प्लेन है ये बैटर इसके लेयर्स में डाल रूँ इसके अंदर मोल्ड के अंदर अच्छे तरीके से स्प्रेड कीजिएगा आराम आराम से डालते रहेंगे स्पून के थ्रू फैला देंगे अब इसमें मैं टू टेबल स्पून के बराबर जो चॉकलेट बैटर बनाया है मैंने वो इसके अंदर बीच में मिडिल में ऐड करूँगी मैं अच्छे तरीके से इसको डिप कर देंगे अब जो बाकी बैटर बचा है ये इसके ऊपर डाल देंगे स्प्रेड कर देंगे जो चॉकलेट का है बैटर वो वो उसमें कवर हो जाए ये देखिए पूरा कवर हो चुका है अब इसके अंदर जो बाकी है बैटर है चॉकलेट का वो उसके ऊपर ऐड करूँगी मिडल में जैसे पहले किया था हमने ये जो बारबी क्यू स्टेक है इससे हम डिज़ाइन देंगे कोई भी आप बना लें अप एंड डाउन उसको कर सकते हैं लाइनिंग दे सकते हैं कोई भी शेप दे सकते हैं आप लोग ये देखें मैं फ्लावर का शेप दे रही हूँ ये देखें कितना प्यारा फ्लावर बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रहा है ये देखें अप एंड डाउन कर सकते हैं कोई भी आप उसको शेप देना चाह रहे हो माइंड में जो आपके हो वो कर सकते हैं डिजाइनिंग है आपके हाथ में ये देखें हमारा रेडी हो गया केक अब वन सिक्सटी एंटीग्रेड में इसको बेक कर लेंगे ओवन मेरा प्री हीट है वन सिक्सटी सेंटीग्रेड मैंने इसका टेम्परेचर है चालीस से पचास मिनट इसको बेक होने में लगेगा बेकिंग के दरमियान ओवन के डोर को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है वरना केक अच्छा राइज नहीं होगा केक हमारा राइज हो रहा है बेकिंग प्रोसीजर इसका स्टार्ट हो चुका है फोर्टी से फिफ्टी मिनट हो चुके हैं अब मैं केक चेक करूँगी कि कहाँ तक ये बेक हो चुका है हम लेंगे बारबेक्यू स्टिक वो मिडिल में डाल के चेक करेंगे अगर ये गीली नहीं निकली तो इसका मतलब बेक है ये देखें बिल्कुल वेट नहीं निकली इसका मतलब हमारा केक रेडी हो चुका है केक हमारा रेडी हो चुका है मैंने इसको ओवन से बाहर निकाल लिया था दस से पंद्रह मिनट इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था इसको अब मैं मोल्ड से बाहर निकाल लूँगी कभी गर्म केक को टच मत कीजिएगा वरना वो टूट जाएगा ये देखें हमारा मार्बल केक रेडी हो चुका है रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो गया है नाइफ़ के थ्रू इसको मैं बाहर निकालूँगी ट्रे से ये देखें कितना बैक साइड से भी देखें कितना सॉफ्ट सा है इस देखें फ्रंट से भी देखें अब इसको मैं टेबल काउंटर पे रखती हूँ मार्बल केक हमारा रेडी हो चुका है ये इसका फाइनल लुक है मैं टेबल पर ले आई हूँ उसको बहुत ही मज़ेदार सा बना है इसको ये हाई टी के लिए भी आप बना सकते हैं और किसी को अपने हाथ से बना हुआ केक देंगे तो क्या ही बात है अगर मेरी वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा जो नए देखने वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलूँगी न्यू वीडियो न्यू रेसिपी के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़